मोर कछुआ की कहानी। एक तालाब में कंबोग्रह नामक कछुआ रहा करता था। वह कछुआ बहुत बातूनी था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोकी करना उसकी आदत थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन हंसों का नाम संकट और विकट था। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से वे प्रतिदिन वहां आने लगे। कंबोग्रह कछुआ उन्हें प्रतिदिन देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वे उसे दोनों भले और सज्जन लगे। शीघ्र ही उनमें कड़ी मित्रता हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों बहुत देर तक नाना प्रकार की बातें करते। हालांकि बातों के बीच कछुआ के टोका टाका जारी रहती, किंतु सज्जन हंस इसका बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगी। वह तालाब भी सूखने लगा जहाँ कछुआ रहता था। एक शाम जब हंस उसके मिलने आए तो उसे बताया कि वे दोनों वह स्थान छोड़कर 50 कोस दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं, जो पानी से लबालब है। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मेरा मरण तो निश्चित है, किंतु इस बात में अधिक दुख मुझे इस बात का है कि अपनी अंतिम कड़ी में मैं अपने परम मित्रों को देख नहीं पाऊंगा। कछुआ की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए। उन्हें कछुए से सहानुभूति थी। वे बोले, मित्र कंबोग्रह, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। लेकिन ये कैसा संभव है मित्रों, तुम दोनों तो उठकर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुँचने में महीनों लग जाएंगे। हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरे प्राण परकेरु उठ जाए। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपना दिन व्यतीत कर लूंगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तय किया कि वे बांस की एक लकड़ी लेकर आएंगे। कछुआ उस लकड़ी के मध्य भाग को अपने मुंह से पकड़ेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर प्रसन्न हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आए और उसे लकड़ी के मध्य भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए के बातूनी आदत से बाला बांधी परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे झील तक नहीं पहुंच जाते उसे मौन रहना है, अन्यथा वह नीचे गिर पड़ेगा। कछुए ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मौन धारण
करके रखेगा। इसके बाद दोनों कछुओं ने दृढ़ता पूर्वक लकड़ी के मध्य भाग को पकड़ लिया। हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक कस्बे के ऊपर से गुजरे। तभी किसी ने आकाश के उस विचित्र नजारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगे, देखो देखो आकाश में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोगों घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह शोर सुन कछुआ से ना रह गया और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन से आ टकराया। जमीन से टकराते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मूल कछुआ कहानी से सीख। बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य के बारे में योजना बनाकर उस पर पूरा अमल करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं, अन्यथा योजना पर टिके ना रहने का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है।